रहेगा कि क्या विजिटर वीजा आसान है कंपैरेटिवली या कोई और लाइक स्टूडेंट वीजा या इन्वेस्टमेंट वीजा. राइट, सो जब हम वर्ड यूज आसान करते हैं दैट मींस कि शायद हम उस जावी से बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकले कैसे. तो अगर उस जावी से करें तो फिर तो इसको कंपेयर किया जा सकता है कि मैं कैसे आसानी से चला जाऊँ. लेकिन ये जो वीज़ा कैटेगरीज हैं ये आपस में मुमासलत नहीं रखती, इसलिए कि डिफरेंट डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल विज़िटर वीज़ा है, विज़िटर वीज़ा के लिए आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं टेम्प्रेरीली जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं सयाहत करूँगा या वहाँ पर अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करनी है, कोई एक मेरा मकसद है जाने का. बिल्कुल. और वो मकसद टेम्प्ररी है, मैं वापस आ जाऊंगा, ये बिजनेस ट्रिप लगाना चाहता हूँ. लेकिन अगर आप स्किल वर्कर की बात करें तो वो मुस्तकिल तौर पे परमानेंटली जाना होता है उसमें. बिल्कुल. और उसका क्राइटेरिया भी है कि जी एज इतनी हो, एजुकेशन इतनी हो, एक्सपीरियंस इतना हो. तो आसानी की जहाँ बात आती है तो हमें ये देखना है कि हमारा इरादा क्या है. अगर हमारा इरादा वहाँ से विजिट करने का है तो हम उसी हिसाब से एप्लीकेशन डालेंगे, बताएंगे कि जी हमारे यहाँ पर इतने टाइज हैं अपनी होम कंट्री में, फैमिली भी है यहाँ पर, बिजनेस भी करते हैं यहाँ पे या जॉब करते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ पर घूम फिर के वापस आ जाएंगे. मुझे आमिर भाई ये बताएगा, जैसे अभी हम पेंडेमिक के दौर से गुजरे, बीच में कुछ स्पेल शायद हमारा ये अच्छा गुजरा, अब फिर एक कोविड की एक नई लहर आई हुई है, तो क्या इमिग्रेशन या फिर वहाँ जाना ट्रैवल करना मुश्किल हुआ लोगों के लिए? और अब जो दौर चल रहा है, जो अब जिस करंट सिचुएशन में हम हैं, क्या अब आसान है जाना या अभी भी स्टिल मुश्किलात हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जब देखा है कि बॉर्डर्स क्लोज करने पड़ रहे हैं और लोगों को ट्रैवलिंग में मुश्किल हो रही है, तो गवर्नमेंट ने अपने स्टांस को ज़रा चेंज किया है. और बहरहाल उनको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन सेफ्टी ऑफ कैनेडियंस और ये भी कि अगर हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो फिर लोग आएंगे कैसे. Indeed. तो उन्होंने कुछ चेंजेस लाए और स्टूडेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको हम देंगे पढ़ाई करने के बाद, अगर आपने वहाँ पे काम अगर आपने पढ़ाई की कनाडा में कम अज़ कम एक साल. लेकिन वो तो मुमकिन नहीं था पैंडमिक के दरमियान में, तो उन्होंने इस बात की गुंजाइश दी कि अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ लें, दाखिला ले लें और ऑनलाइन पढ़ लें, और अगर पूरी भी तालीम आप पूरी ऑनलाइन कर लें तो भी आप एलिजिबल होंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क.